हेलो किड्स, आज हम लोग घड़ी देखना सीखेंगे, है ना। हम सबके घर घड़ी है और हम लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं घड़ी को, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि घड़ी में कितना बजा है, उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि घड़ी में क्या कितना बजा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं। द क्लॉक, अ क्लॉक टेलर्स द टाइम। घड़ी क्या करता है? समय बताता है। घड़ी क्या करता है? समय बताता है। द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 आर रिटन ऑन द डायल। घड़ी में 1 से लेके 12 तक नंबर लिखा होता है, है ना। द क्लॉक हैज 2 hands। घड़ी के 2 हाथ होते हैं। 1 hand इज शॉर्ट एंड 1 other hand इज लॉन्ग। एक हाथ उसका छोटा होता है और एक हाथ उसका लंबा होता है। दोनों हम लोग के जैसे बराबर नहीं होते हैं। एक हाथ छोटा और एक हाथ लंबा होता है। The short hand is called our hand। जो लंबे वाला, जो छोटे वाला हाथ होता है, उसको हम लोग घंटा का कांटा बोलते हैं, है ना उसको। और द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड। और जो लंबा वाला जो कांटा होता है या सुई कहते हैं जिसे, तो उसे वो बताता हमें मिनट के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करके देखते हैं समय कैसे घड़ी में सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं एक घड़ी बनाती हूँ, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सिखाती हूँ। ये बन गया घड़ी का डायल, ठीक है ना। घड़ी को हम लोग 12 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 12 भाग में, 12 parts में, है ना। जैसे 1 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहले हम लोग, सबसे बीच में लिखा होता है हमारा 12, ठीक है, 12 लिखा होता है, ठीक है ना। और उसके ठीक नीचे जाके 6 हुआ। ये कर लेने से क्या होता है ना, हमें बांटने में आसान होता है। अब यहां पे देखिए, हम लिख देते हैं आपको 1, ठीक है। ये 1 हो गया, ये आपको 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 और ये आपका 5 इधर हो गया। अब ये 6 तो हम पहले ही कर लिए थे, ठीक है ना, बनाने में हमें आसान होता है। 6, ये 7, ये 8, 9, 10 और ये हमारा हो गया 11। तो इसे हम लोग कितने भाग में बांटे? हम लोग 12 भाग में बांटे। यहां 12 था, लेकिन हम लोग यहां से शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ये हो गया हमारा आपको 60 मिनट का। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट्स में का 1 hour होता है, है ना। और ये सब हमारा ना 5-5 मिनट आपको, जैसे इसके बीच में हो गया 1 2 3 4, फिर ये 1 है, इसके बीच में हो गया हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
यहाँ पे हमारा जाके 60 मिनट का हमारा 1 घंटा होता है, तो हम लोग इसको बांटते जैसे ये आप देख लीजिए 5-5 मिनट में, इसका 5 का टेबल अगर आप लोग को आता है तो आराम से बांट सकते हैं। 5, 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25,
फाइव सिक्स जा 30, फाइव सेवन जा 35, फाइव एट जा 40, फाइव नाइन जा 45, फाइव टेन जा 50, फाइव इलेवन जा 55, और ये हमारा हो गया 512 जा 60। तो 60 मिनट का हमारा एक घंटा बनता है ना। तो ये हमारा कंप्लीट टेबल हो गया, कंप्लीट टेबल हो गया आपका, समय हमारा चार्ट बन गया घड़ी का। अब हम बनाएंगे घड़ी में टाइम कैसे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब लिखा नहीं होता है घड़ी में, ये सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर दिए कि घड़ी कैसे बना होता है। अब इसमें दो काटा होता है ना, दो सुई। तो एक होता है जो थोड़ा सा ना छोटा और मोटा होगा, है ना, ऐसा छोटा, ये छोटा हो गया, इसलिए अभी इसको, है ना, ये छोटा हो गया। और एक लंबा, ये बताता है, ये हो गया थोड़ा सा लंबा, ठीक है, ये और ये छोटा। ये हमारा जो छोटा वाला है, जो सुई कांटा जिसको आप बोलते हैं, तो ये हमारा बताता है कि कितना बजा है, है ना, कि घंटा बताता है। तो आर, तो ये जैसे कि हमारा ये सेवन के सामने है, ये किसके सामने है छोटा वाला, सेवन के सामने है। और लंबी वाली जो सुई है हमारी, पतली वाली लंबी वाली, वो ट्वेल्व के ठीक सामने है, ट्वेल्व के ठीक सामने, एकदम ट्वेल्व के ठीक सामने होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं इसको, अपने आप जैसे आप सेवन देखे और छोटे पे छोटा वाला काट रहा जो हमारा सेवन पे है, और बड़ा वाला काटा ट्वेल्व पर है, एकदम उसके सामने है, दोनों दोनों से ये छोटा वाला एकदम सामने होना चाहिए और बड़ा वाला भी ट्वेल्व के एकदम सामने होना चाहिए। तब हम उसको कहेंगे सेवन ओ क्लॉक, सेवन ओ ऐसे एक डालेंगे और आप लिखेंगे सेवन ओ क्लॉक। सेवन ओ क्लॉक इसे दो तरह से लिखते हैं, ये तो पहला तरीका हो गया सेवन ओ क्लॉक लिखने का। दूसरा तरीका है इसको लिखने का, दूसरा तरीका आपको लिखने का है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सेवन, और इसके बगल में दो डॉट डालेंगे, है ना, और दो जीरो जीरो डालेंगे, ये भी हो गया सेवन ओ क्लॉक। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओ है ना, ये क्या है, ओ है सेवन ओ क्लॉक। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन और दो डॉट डाले उसके बगल में और जीरो जीरो लिखे, तो वो क्या हो गया सेवन ओ क्लॉक। अब मुझे यही सिखाना है आपको कि अब ये तो सेवन आप जान गए, अब कुछ नहीं करना है, अब यही नीडल अगर हमारा एट पे चला गया, छोटा वाला, ठीक है ना, छोटा वाला, और लंबा वाला ट्वेल्व पर है, तो क्या हो जाएगा एट ओ क्लॉक। अब हम यहां हटा देते हैं, यहां हम एट लिख देते हैं, कितना बज गया बच्चों आप बताइए मुझे, एट, और यहां पे हम कर देते हैं एट। अब ये छोटा वाला चला जाएगा नाइन पे, और लंबा वाला वो ट्वेल्व पर है, तो आप बताइए कितना बज गया नाइन ओ क्लॉक, मतलब नौ बजा है, कितना बजा है नौ बजा है, ठीक है ना। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नाइन ओ क्लॉक, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि नौ बज गया, कितना बज गया नौ बज गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नाइन लिख दिए नाइन ओ क्लॉक, और ये नंबर बदल गया सिर्फ, और यही चला जाएगा हमारा टेन पे, टेन पे चला गया, तो नाइन हट जाएगा, कितना बचेगा टेन बच जाएगा, टेन ओ क्लॉक। अब ये इलेवन पे आ गया,
छोटा वाला और बड़ा वाला 12 पर है, तो ये 10 हट जाएगा, कितना बच गया बच्चों 11। सबसे मजेदार अब देखिए होने वाला क्या है, अब दोनों हमारा कांटा, दोनों निडल कांटा सुई जो भी आप इसे बोलते हैं, ये दोनों आमने सामने हो गया, ये तो लंबी वाली हो गई 12 पे और इसी के ऊपर छोटी वाली भी आ गई, इसी के ऊपर छोटी वाली भी आ गई, ये छोटी वाली आ गई और ये बड़ी वाली है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, दोनों कांटा क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, तो क्या बच गया 12 बच गया, 12 o'clock हो गया। 12 o'clock के लिए दोनों एकदम सामने सामने एक दूसरे पर निडल होना चाहिए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा 12 o'clock। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती होती है आपको एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा है ना, जब दोनों आमने सामने हो गया बिल्कुल एक दूसरे पर तो 12 o'clock बस। और अब हम 1 o'clock कैसे चलेंगे, अब इस निडल को यहां से हटाएंगे, ये तो रहेगा ही हमारा पतला वाला लंबा वाला, और ये छोटी वाली हमारी चली गई 1 o'clock के सामने, 1 के सामने चली गई है ना, ये 1 है 1 के सामने चली गई, और ये तो हमारा लंबा वाला मिनट वाला सुई है, ये छोटी वाली तो क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया 1 o'clock। तो इसी तरह जो भी हमारा है अब ये 2 पे चला जाएगा और लंबी वाली रहेगी हमारी जो लंबी वाली सुई है वो 12 पर है, तो 2 o'clock 3 पर है, तो 3 o'clock छोटी वाली घंटा बताती है आर बताती है ना, तो जितना भी है छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई 12 पर है उतना हमारा बचता है। अब एक हम अभी सिर्फ लास्ट ये आप लोग को भी इसमें बता दे रहे हैं कि जैसे ये है छोटी वाली सुई हमारी चली गई 4 पे, ठीक है, और लंबी वाली सुई हमारी 12 पर है, आप बताइए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल 4 के ठीक सामने होना चाहिए है ना, तो बताइए क्या कितने बज गया 4 बज गया 4 o'clock है ना, 4 बज गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि आप बहुत अच्छे से घड़ी देखना सीख गए हैं है ना,